Hello students, I hope you all are fine. So today we are going to discuss about SSC topic latitudes and longitudes. So let's start. As you know that globe is a 3D model of the earth. Globe kya hai? Earth ka ek 3D model hai. जिसका यूज़ करते हैं हम अर्थ के अर्थ पे है बहुत सारे प्लेसेस लोकेट करने के लिए अर्थ की स्टडी करने के लिए. सो टू स्टडी अर्थ व्हाट वी डू वी ड्रॉ मैनी इमेजिनरी लाइंस ऑफ द ग्लोब. हम क्या करते हैं ग्लोब पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि हम अच्छे से अर्थ की है स्टडी कर सकें. तो लेट्स स्टार्ट कि मेनली हम जब अर्थ को है सॉरी अर्थ के 3D मॉडल को ग्लोब को है हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है नॉर्थ पार्ट में और साउथ पार्ट में. तो वो जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को है अर्थ के 3D मॉडल ग्लोब को है टू पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है दैट इज़ नोन एज इक्वेटर. दैट इज़ नोन एज इक्वेटर. एंड जो इक्वेटर का अपर पार्ट है ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो पार्ट है वो इक्वेटर के नीचे वाली साइड है द एरिया बिलो द इक्वेटर इज नॉन एज साउदर्न हेमिस्फीयर. तो इसके साथ ही है और भी बहुत सारी है वो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं. तो इसी से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लैटिट्यूड्स. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि जो इक्वेटर के पैरेलल है और भी बहुत सारी लाइंस हैं. The lines parallel to equator are known as latitudes. Like equator divides it in two parts. Then there is Tropic of Cancer, Arctic Circle in northern hemisphere. And see on the southern hemisphere one parallel line and what is written? Tropic of Capricorn, then Arctic Circle, then South Pole. These are in southern hemisphere. These are important latitudes. Now study once again with equator what is written on the other side 0 degree and with Tropic of Cancer what is written 23.5 degree north. Then in the same way Arctic Circle 66.5 degree north and with North Pole what is written 90 degree north. Means in Northern Hemisphere we have latitudes 0 degree to 90 degree and in the same way in Southern Hemisphere we have latitudes from 0 degree to 90 degree. Now on the Southern Hemisphere with Tropic of Capricorn what is written 23.5 degree south and Antarctic Circle 66.5 degree south. मीन्स जो भी लैटिट्यूड है जो नॉर्थ वाले पार्ट में आएंगे उसके साथ आप क्या लिखोगे एन. एन का क्या मीनिंग होगा नॉर्थ. और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं उनके साथ आप क्या लिखोगे एस लिखोगे. एस से क्या पता चलेगा कि दिस इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर. ये किस में है साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं. नाउ विल स्टडी अबाउट लॉन्गिट्यूड्स. As we have discussed, as there are lines parallel to equator, जो equator के parallel होंगी lines, उनको हम क्या बोलते हैं latitudes. In the same way, on the globe, some lines which are starting from North Pole and they are till South Pole, जो North Pole से लेके South Pole तक है जो imaginary lines draw की हुई हैं उनको क्या बोलेंगे हम longitude. And longitudes are also known as meridians. इसको हम क्या बोल सकते हैं meridians. And the central longitude that divides the earth into eastern hemisphere and western hemisphere is known as prime meridian. Means जहाँ से है ये imaginary lines हैं longitude start हो रहे हैं from 0 degree. So 0 degree longitude is known as prime meridian. As you can see on the diagram what is written there prime meridian. And you can see कि prime meridian के एक side है जो west वाली side है all longitude के साथ क्या लिखा हुआ है W लिखा हुआ है. क्यों लिखा हुआ है means जिससे हमें पता चल रहा है कि these are in western hemisphere and eastern side
ऑल लॉन्गिट्यूड के साथ ई लिखा हुआ है. ई मीन्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर. नाउ देर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स. अब 0 डिग्री से लेकर 179 तक है वो वेस्टर्न में आएंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. एंड 0 से लेकर 190 तक आएंगे वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएंगे. एंड 180 क्या होगा? एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों पार्ट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट मिलेंगे. सो 180th मेरिडियन है, इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन. एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम जहाँ पे है वो एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उसको हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन. अब ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, आप जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें ग्लोब यूज़ करके ये सारे चीज़ें आपको अच्छे से समझाई हुई हैं, नाउ यू विल वॉच दैट वीडियो अगेन एंड यू विल बी एबल टू लोकेट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि देर आर लाइन्स पैरेलल टू इक्वेटर ऑन द ग्लोब एंड ऑल्सो वी हैव लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब. सो डू यू थिंक कि एट सम पॉइंट दे विल इंटरसेक्ट? एक साइड है वो लैटिट्यूड हम ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी साइड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, तो लाइन्स विल इंटरसेक्ट एंड दिस विल फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स एंड दीज आर कॉल्ड ग्रिड्स.